बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही कई पार्टियों में खलबली मच गई है। लोजपा ने जिस तरीके से मुखरता से जेडीयू का विरोध किया था और जेडीयू को कहीं ना कहीं बहुत सीट का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन फिलहाल लोजपा के झोपड़ी में ही आग लगी पड़ी है क्योंकि लोजपा से लगभग 200 कार्यकर्ता और नेता जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। वहीं रामेश्वर चौरसिया जो लोजपा के वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। अब इस हालात में लोजपा अचानक कमजोर हुई है जिसको लेकर लोजपा के बड़े बड़े नेता कई दावे कर रहे हैं, लेकिन वही जेडीयू का कहना है कि लोजपा के लोग काफी निराश है, हताश है, इसीलिए अपने पार्टी को छोड़ करके जेडीयू का दामन थाम रही है। वहीं लोजपा के नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जेडीयू में हताशा है, इसीलिए दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़कर खुद में शामिल किया जा रहा है, दूसरे दलों को नेताओं को अपने में शामिल करा रहे हैं, यह स्थिति हो गई है उनकी। और इस बार ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोल चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा और कहीं चुनाव हो गया तो नीतीश कुमार की औकात पता चल जाएगी कि 10 से 13 सीटों पर उनकी औकात आ जाएगी। मध्यावधि चुनाव को आसार है, यह निश्चित होगा। जिस तरह से स्थिति चल रही है बिहार की राजनीति में, इससे पता चल रहा है कि मध्यावधि चुनाव होगा। लोजपा के बक्सर के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि वो जो नेता और कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए हैं वो पार्टी के गद्दार लोग हैं और पार्टी में एक्सपायरी थे, पार्टी में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने जेडीयू का दामन थामा है। फील गुड तो बिहार की जनता ने दिखा दिया है उनको। अभी विगत कुछ दिनों पहले जो चुनाव हुआ उसमें बिहार की जनता ने 71 से 43 सीट पर पहुँचा दिया, तो फील गुड तो वो अंदर से समझ रहे होंगे। रही बात लोजपा की, 35 से 40 लोगों की बात है, तो ये जो है पार्टी के गद्दार नेता हैं, ऐसे गद्दारों को पार्टी ने पहले ही निष्कासित कर दिया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये ऐसे गद्दार हैं जो बीते विगत चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को मदद पहुंचाया, और ये बिहार के राजनीति में और लोजपा की राजनीति में ये एक्सपायरी नेता हैं, तथा कथित अपने को लोजपा नेता मानते हैं, लेकिन लोजपा में इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे ही लोगों को जनता दल यूनाइटेड इकट्ठा करके यह दिखाना चाहती है कि लोजपा ने जिस तरह से सपनों में नीतीश कुमार को चिराग पासवान दिखाई पड़ रहे हैं तो उसका भरपाई किया जाए, यही मामला है। लोजपा अपने मजबूत स्थिति के चलते लोजपा ने उनकी ताकत, उनकी हैसियत का पता चलवा दिया है कि 71 सीट से 43 सीट पर आ गए और दिल्ली और पटना की दौड़ कर रहे हैं।